कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके खाद तेल बाजारों की जानकारी के साथ मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। खाद तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रैन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, साथ ही विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है, इंटरनेशनल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। चलिए बात करेंगे सोया ऑयल की। अगर घरेलू बाजारों की बात करें तो लोकल बाजारों में सोया ऑयल का बाजार 98 रुपये केजी के हिसाब से कामकाज होता हुआ नजर आया। पामोलिन का बाजार 89 रुपये रहा, राइस ब्रैन ऑयल का बाजार 90 रुपये, मस्टर्ड ऑयल का बाजार 110 रुपये, सोयाबीन सीड का बाजार 5000 रुपये पे कामकाज रहा। कांडला पोर्ट की अगर स्थिति जान ले, क्रूड पाम ऑयल का भाव 824 रुपये, फॉरवर्ड में 814 रुपये, पामोलिन का भाव 845 रुपये, सोया रिफाइंड का भाव 925 रुपये, सोया डिगम का भाव 840 रुपये, फॉरवर्ड में 850 रुपये, सनफ्लावर ऑयल का भाव 920 रुपये पे कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। तो सभी बाजारों में आपने देखा बाजारों में काफी उतार चढ़ाव लगा, लेकिन पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा तेजी नहीं देखी गई, बाजार सामान्य रहा। इस हफ्ते अब बाजारों में जो शुरुआत हो रही है, आज अगर सुबह की बात करी जाए तो KLC सुबह -33 रिंगिट खुली थी, अभी करंट में +25 रिंगिट KLC चल रही है। सीबॉट भी प्रोजेक्शन पॉजिटिव के साथ ही बाजारों में कामकाज हो रहा है। अगर बाजारों की बात करी जाए तो सभी तेल में अपने सप्लाई के हिसाब से आगे पीछे बाजारों में कामकाज देखा जा रहा है। कोल्हू तेल में एक अच्छी तेजी, मस्टर्ड ऑयल में तेजी देखी जा रही है, लेकिन जुलाई के में पीक से अभी हल्की सी गिरावट देखी जा रही है। ओलिन की अगर बात करी जाए तो पिछले 3 महीनों में 84 से 88 रुपये में मूव कर रही है, जुलाई में हाई पिछले सप्ताह से 4 रुपये किलो नीचे चल रही है। इंदौर रिफाइंड जून में 8 रुपये किलो तेज होने के बावजूद भी जुलाई में 3 रुपये किलो और बढ़ने के बाद 4 रुपये किलो टूटा हुआ है, जबकि अभी भी 30 जून से बाजार इस समय नीचे बाजारों में कामकाज हो रहा है। अगर पिछले साल अगर कोल्हू तेल की बात करी जाए तो पिछले साल कोल्हू तेल 8 रुपये किलो सस्ता था, इस साल 15 रुपये किलो सस्ता है। पिछले साल रिफाइंड काटा रिफाइंड में 12 रुपये किलो ऊपर था, जो कि अब दोनों तेल एक भाव 95 रुपये के आसपास हैं। पिछले साल अगर चावल रिफाइंड की बात करी जाए तो 3 रुपये किलो नीचे था, अब 10 रुपये किलो ऊपर है। पिछले साल अगर चावल रिफाइंड सरसों की तेल की बात करी जाए तो 26 रुपये किलो नीचे था, इस साल आधा इस समय बाजारों में नीचे कामकाज कर रहा है। पिछले साल अगर चावल की तेल की अगर बात करी जाए तो सभी तेलों में सबसे सस्ता था, इस साल ओलिन सबसे सस्ते के हिसाब से बाजारों में कामकाज हो रहा है। इस सप्ताह में अगर देखा जा रहा है, जो जगह जगह आपको मालूम है कि बारिश ना होने के कारण आप देख रहे हैं कई इस समय जो कई खरीफ फसलें हैं वो सेफ नहीं दिखाई दे रही हैं। अमेरिका में भी फसलें नए सूखे की खतरा लगातार दिखा रही हैं। मलेशिया इंडोनेशिया में सूखा का मौसम लगातार देखा जा रहा है, मगर इसका असर अभी आना बाकी है। संसार में अगले साल सोयाबीन का उत्पादन इस साल से 350 लाख टन ज़्यादा होगा। ब्राज़ील में भी अभी सोयाबीन की सप्लाई सरप्लस है, मगर भारत में सभी तेलों में सोयाबीन सरसों का स्टॉक जरूरत से ज़्यादा है। इस कारण लंबी चौड़ी तेजी नहीं बन पा रही है, बाजारों में एक मूवमेंट में ही कामकाज बाजारों में देखा जा रहा है। इससे पहले आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आपको अगर जानना है तो मॉर्निंग 9:30 का आप ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं किस तरीके से कामकाज हो रहा है कि आज के बाजारों में सोया ऑयल सीपीओ का सपोर्ट रेजिस्टेंस, सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 97 रुपये है, रेजिस्टेंस का लेवल 99 रुपये, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 88 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 99 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 90 रुपये, सॉरी पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 88 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 90 रुपये, राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 89 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 91 रुपये, इसी तरीके मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5500 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 5800 रुपये, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 5000 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 5200 रुपये देखा जा रहा है। ओवरऑल आउटलुक में आप देखेंगे खाद्य बाजारों में गिरावट पर आप खरीदारी करके चलिए, सोया पामोलिन राइस ऑयल मस्टर्ड ऑयल में आप गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं, मस्टर्ड सीड में खरीदारी करिए, सोयाबीन सीड में उतनी तेजी बाजारों में फिलहाल नहीं देखी जा रही है। तो सारी खबर में आपको जानकारी दे दी और आपको बता देते हैं किसी भी प्रकार की रेट की जानकारी आपको जाननी है तो AB लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर अवेलेबल है, पेड सर्विस है, फ्री सर्विस नहीं है। इसका आप डेमो अगर लेना चाहें तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट्स 24। नमस्कार।